Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video, we will be discussing iceberg of disease. Friends, iceberg of disease examination में कई बार 10 marks question में पूछा जाता है. Also, iceberg disease can also be asked as iceberg's phenomenon. ठीक है? तो आप बिल्कुल भी confused नहीं होंगे. Iceberg phenomena के नाम से भी ये question पूछा जाता है. Now, a concept closely related to the spectrum of disease is the concept of the iceberg phenomenon of disease. ठीक है? डिजीज के स्पेक्ट्रम को जो चीज डिस्क्राइब करती है दैट इज द आइसबर्ग फिनोमिनन ऑफ डिजीज. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट डिजीज इन अ कम्युनिटी में बी कंपेयर्ड विद एन आइसबर्ग. ठीक है, आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, उसमें एक आइसबर्ग था. तो आइसबर्ग से ही कंपेयर किया गया है किसको? एक डिजीज इन अ कम्युनिटी को. ठीक है, द फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट व्हाट द फिजिशियन सीज इन द कम्युनिटी, दैट इज द क्लिनिकल केसेस. ठीक है, तो देखिए आइसबर्ग कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है, यहाँ पे टाइटैनिक थी और टाइटैनिक से लोगों को आइसबर्ग दिख रहा था. तो सपोज दिस इज द आइसबर्ग, तो जितना आइसबर्ग का पार्ट हमें दिखता है दिस इज नोन एज द फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग. ठीक है, ये फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग है और ये क्लिनिकल केस को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो ये जो है ये है क्लिनिकल केसेस. ये बहुत क्लियर नहीं लिखा है मैंने, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस इज द क्लिनिकल केस. नाउ द वास्ट सबमर्स्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट द हिडन मास ऑफ द डिजीज. ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज को बता रही है. स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज मतलब डिजीज में जो भी वेरिएशन हो रहे हैं, जैसे भी डिजीज एक्सटेंड कर रही है, वो चीज अगर किसी चीज के थ्रू बताई जा सकती है तो दैट इज द आइसबर्ग. तो क्लिनिकल केस क्या है? मतलब आप एक फिजिशियन हो, आप ओपीडी में हो, तो फिजिशियन के पास जो जो केसेस आ रहे हैं कि डॉक्टर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो दीज ऑल द केसेस आर नोन एज क्लिनिकल केसेस. ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है आइसबर्ग का, ये क्या है? ये सब क्लिनिकल केस या फिर प्री सिम्टोमेटिक डिजीज को बताता है. सब क्लिनिकल केस क्या है? सब क्लिनिकल केस ऐसे केसेस होते हैं जिनकी अभी तक डायग्नोसिस नहीं हो पाई है या फिर वो छुपे हुए हैं. ठीक है, तो हिडन मास ऑफ द डिजीज जो कि लेटेंट है या फिर अंडर डायग्नोस्ड केसेस हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? हिडन मास ऑफ द आइसबर्ग. द वॉटर लाइन रिप्रेजेंट्स द डिमार्केशन बिटवीन एपरेंट एंड इन एपरेंट डिजीज. एपरेंट मतलब जो डिजीज होने की टेंडेंसी है. तो ये वॉटर लाइन जो है, जो ये वाली लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है कि वो कौन से केसेस हैं जिनके क्लिनिकल केसेस बनने की संभावना है. ठीक है, मतलब सपोज यहाँ पे एक डिजीज है, एक पेशेंट है जिसमें कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर कर चुका है बट उसे अभी सिम्टम नहीं आ रहे. ठीक है, तो वो प्री सिम्टोमेटिक डिजीज है. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद उसमें सिम्टम आए तो वो सिम्टोमेटिक डिजीज बन जाएगी. तो ये जो वॉटर लाइन है ये इन दोनों के बीच का डिमार्केशन होता है. ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? इन सम डिजीजेस लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अनीमिया, मैल न्यूट्रिशन, मेंटल इलनेस, द अननोन मॉर्बिडिटी दैट इज द सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग फार एक्सीड्स द नोन मॉर्बिडिटी. ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो सम डिजीजेस जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज में जो मॉर्बिडिटी होती है वो प्री सिम्टोमेटिक से भी ज्यादा देखने को मिलती है. द हिडन पार्ट ऑफ द आइसबर्ग दस कॉन्स्टिट्यूट्स एन इम्पोर्टेंट अनडायग्नोस्ड रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पार्ट जो होता है ये अनडायग्नोस्ड होता है. अनडायग्नोस्ड दैट मीन्स ये फिजिशियन तक नहीं पहुंचा होगा. वन ऑफ द मेजर डेटरेंट्स इन द स्टडी ऑफ क्रोनिक डिजीज ऑफ द अननोन इटियोलॉजी इज द एब्सेंस ऑफ द मेथड्स टू डिटेक्ट द सब क्लिनिकल केस द बॉटम ऑफ द आइसबर्ग. ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्रोनिक केस के स्टडी करने के लिए जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है या फिर जो सबसे बेकार चीज है क्रोनिक डिजीजेस के बारे में, कि हमारे पास
जो मेथड्स हैं वो अवेलेबल नहीं है कि हम सब क्लिनिकल केस के बारे में पता कर पाए कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिनके क्लिनिकल केस बनने की, मतलब कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें सिम्टम्स आने की चांसेस हैं, ठीक है। तो वो अगर हम लोग पता कर लेंगे तो हम क्रोनिक डिजीजेस से भी टैकल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने क्या समझा, वी हैव अंडरस्टूड आइसबर्ग ऑफ डिजीज या फिर आइसबर्ग फिनोमिनन, जो हमें स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज के बारे में बताता है। ये टर्म आपको याद रखना है, दैट इट इज रिलेटेड टू द स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। और ये हमें क्या बताता है कि जो डिजीज है वो दो टाइप की हो सकती है, क्लिनिकल केसेस और सब क्लिनिकल केसेस, और उसे कंपेयर किया गया है एक आइसबर्ग से। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। फ्रेंड्स, मैंने SPN के ऑलरेडी 4 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आई हैव अपलोडेड जो डिजीजेस के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आई हैव अपलोडेड हेल्थ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज एंड हेल्थ प्रमोशन। दिस इज द 5th लेक्चर। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि SPN के एग्जामिनेशन के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके वीडियोज मिस ना हो, बिकॉज आई विल बी अपलोडिंग 1 टॉपिक डेली, तो प्लीज सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बॉडी एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड बैचमेट्स। थैंक यू।